हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने चैनल टेक एम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मोटरोला के एक अपकमिंग अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आगे चलकर लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिलेगा। उस स्मार्टफोन का जो नाम है वो तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन इसका जो कोड नेम है वो पता है, जो कि है फ्रंटियर 22। तो हम इसे मोटरोला फ्रंटियर कह के बुलाएंगे। इस स्मार्टफोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं और किस तरह का डिजाइन होने वाला है, उसके बारे में हमें विन फ्यूचर के एक आर्टिकल से पता चला था, जो कि जनवरी 25 को आया था। अब उस आर्टिकल का जो स्क्रीनशॉट है वो देख लीजिए आप। इस आर्टिकल के अंदर जो स्मार्टफोन का डिजाइन है वो भी आप देख सकते हैं। ये इमेज उन्होंने शेयर किया था उनके आर्टिकल के अंदर। तो वीडियो में हम आगे चलकर इस डिजाइन के बारे में बात करेंगे। अब दूसरे लीक के बारे में बात करते हैं। इवन ग्लास जो है बहुत ही जाने माने लिस्टर हैं, उनके तरफ से एक ट्वीट आया है जिसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी का रेंडर उन्होंने शो किया है इस मोटरोला फ्रंटियर स्मार्टफोन का। यहाँ पर डिजाइन जो है बहुत ही क्लियर तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि जो स्क्रीनशॉट है आप देख सकते हैं उनके ट्वीट का। और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताया है कि 194 मेगापिक्सल का कैमरा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर विन फ्यूचर का जो वो आर्टिकल था उसके अंदर बताया गया था कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और बहुत हद तक ये सही भी लगा, क्योंकि सैमसंग जो है 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है उसे डेवलप कर रहा था। बहुत दिनों से ये न्यूज़ था, लेकिन अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में ये सेंसर देखने को नहीं मिला है। जैसे ही ये न्यूज़ आया तो लगने लगा कि हाँ, हो सकता है जो सैमसंग का वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा था वही हमें जो ये फ्रंटियर स्मार्टफोन है इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये जो इवन ग्लास का ये लीक है, ये जो रेंडर इमेज है, इसके अंदर हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं 194 मेगापिक्सल का कैमरा लिखा हुआ है। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो सैमसंग है अपना जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके अंदर उसे थोड़ा कम करके भी कोई सेंसर बनाया होगा, जिसे ये जो फ्रंटियर स्मार्टफोन है उसके अंदर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं क्या कुछ हमें स्पेसिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला था विन फ्यूचर के आर्टिकल से। मोटरोला फ्रंटियर स्मार्टफोन के अंदर हमें एक कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 6.67 इंचेस का होगा। ये एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है जिसके अंदर हमें फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और इसके साथ ही जो डिस्प्ले है एचडीआर 10 प्लस सर्टिफाइड होगा। तो डिस्प्ले जो है आपको टॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करें प्रोसेसर की, लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्लस प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है ये 8 जेन 1 प्रोसेसर से थोड़ा बेहतर हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर है, इसके सीपीयू के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्लस के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और उसी प्रोसेसर को शायद हमें ये जो मोटरोला फ्रंटियर नाम का स्मार्टफोन है इसके अंदर डाला जा सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसके बारे में उम्मीद है। इसके साथ ही बात करें रैम और स्टोरेज की, अप टू 12GB रैम और 256GB स्टोरेज हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर हमें UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही कहीं पर मुझे नहीं मिला कि कौन सा रैम टाइप यूज किया गया होगा, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि LPDDR5X रैम हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें बैटरी की, 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल सकता है, और 125 वाट का वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जिसके साथ 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया कैमरे के बारे में, जैसे कि पहले लीक था 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, अब जो नया लीक है उसके अंदर बताया जा रहा है कि 194 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। और जैसे कि हम कैमरा मॉड्यूल को जूम करें वहां पर भी लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है OIS, और 1/1.5 इंच का यहां पर कैमरा सेंसर होगा ये। और इसके अलावा जो सेकंड कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, और इसके साथ जो थर्ड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा होगा। तो कैमरा सेटअप बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन के अंदर। अब चलिए बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, 60 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो कैमरा सेटअप स्मार्टफोन के अंदर आपको जबरदस्त देखने को मिल सकता है, मगर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके 194 मेगापिक्सल के जो ये कैमरा है इसे देखने के लिए। इस कैमरे से किस तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं वो मुझे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके कैमरा रिजल्ट देखने के लिए। और इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसके अंदर हमें माई UX कस्टम स्किन देखने को मिलेगा, जो कि मोटरोला का होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन पता चले हैं स्पेसिफिकेशन को लेकर। अब चलिए बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। अब जो ये नए रेंडर इमेज निकल के आए हैं इवन ग्लास की तरफ से, इसके अंदर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है कर्व्ड है दोनों तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा कर्व्ड है, जिससे कि एक्सीडेंटल जो टच होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, उसका प्रॉब्लम हो सकता है स्मार्टफोन के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा बात करें बैक साइड की, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का कैमरा मॉड्यूल है
जिसके अंदर हमें एक बड़ा सा सेंसर देखने को मिलता है जो कैमरा है 194 मेगापिक्सल का, और इसके साथ नीचे की तरफ दो कैमरा देखने को मिल जाता है, और वहीं पर बड़ा सा सेंसर के साइड में हमें फ्लैश लाइट भी देखने को मिलता है, और इसके साथ ही बैक साइड में हमें मोटरोला का लोगो भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही बॉटम साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिलता है, और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसके साथ ही जो सिम कार्ड स्लॉट है वो भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन के राइट साइड की, तो यहाँ पर हमें पावर बटन देखने को मिलता है, और इसके साथ ही ऊपर की तरफ हमें वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ स्मार्टफोन का डिज़ाइन है। डिज़ाइन वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा स्मार्टफोन का जो कैमरा मॉडल है, और डिस्प्ले भी अच्छा लगा। डिस्प्ले में जो बेजल्स वगैरह है, चिन्ह है, बहुत ही कम रखा गया है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा बात करें इसके लॉन्च डेट की, जैसे कि रूमर्स है कि जुलाई 2022 में ये जो स्मार्टफोन है हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बात करें प्राइसिंग की, वैसे कहीं पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला प्राइस को लेके, लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ 60,000 से 65,000 के अराउंड ही हमें प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही इन्फॉर्मेशन था, स्मार्टफोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, और स्मार्टफोन का डिज़ाइन कैसा है, और क्या प्राइसिंग हो सकता है, कब लॉन्च हो सकता है, सब कुछ के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। उम्मीद करूंगा ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट्स मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे स्मार्टफोन के रिलेटेड, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बनाकर अपडेट देता रहूंगा। इस वजह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए रोज़ आते रहिए, बस यही कहूँगा। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।